तत्सत, हरिओम तत्सत। योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए, शवासन में लेट जाइए, दोनों पैर एक दूसरे से दूर कम से कम 12 इंच, दोनों बाहें शरीर के बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहेंगी। अपने शरीर, कपड़े, कंबल आदि को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लीजिए ताकि योग निद्रा के मध्य में आपको शरीर हिलाना ना पड़े। आंखें बंद, योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ होने जा रहा है। इस अभ्यास क्रम में आंखों को खोलना नहीं, आपको केवल सुनना है और मेरे निर्देशों का मानसिक रूप से पालन करते जाना है पूर्ण सजगता के साथ। योग निद्रा के अभ्यास में आप सुनने तथा चेतना के स्तर पर कार्यरत रहेंगे। आप स्वयं से कहिए, मानसिक रूप में कहिए, मन में कहिए, मैं सोऊंगा नहीं, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं, मैं सोऊंगा नहीं। पूरे शरीर को शांत और स्थिर बना लें, पूरे शरीर को शांत और स्थिर बना लें। लंबी और गहरी श्वास लीजिए और जैसे ही श्वास बाहर आती है अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर के किसी भी अंग में तनाव नहीं, कड़ापन नहीं, पूरा शरीर शिथिल है, जमीन पर लेटा हुआ है। योग निद्रा का अभ्यास आप कर रहे हैं, सोना नहीं है। योग निद्रा का अभ्यास प्रत्याहार की एक क्रिया है। पूरे शरीर का ख्याल, अब दूर से आती आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिए, आवाजों के प्रति सजग बनिए। एक आवाज से दूसरी आवाज की ओर अपनी सजगता को लगाइए, केवल आवाज को सुनते जाइए। दूर की आवाज, जानने का प्रयास मत कीजिए कि वह कौन सा आवाज था, केवल आवाजों को सुनिए। हर प्रकार की आवाज, हर प्रकार की आवाज। अब अपना ध्यान कमरे में लाइए, बंद आंखों से अपने कमरे की दीवारों, छत और जमीन को देखिए। अपने शरीर को जमीन पर लेटा हुआ देखिए, शरीर स्थिर है। पूरे शरीर को देखिए, पूरी चेतना के साथ देखिए।
आपका शरीर जमीन पर लेटा हुआ है। अब हम लोग योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। मन में ही आप कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं, मुझे सोना नहीं है। इस प्रकार के विचार को मन में ला करके पूरे आत्मविश्वास और सजगता के साथ अपने संकल्प को, जो आप हर योग निद्रा में करते हैं, इस बार 3 बार मन में दोहराइए। अब अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न अंगों और केंद्रों में घुमाना है। मेरे निर्देश के अनुरूप अपनी सजगता को निर्देशों के साथ शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाइए। अगर हम कहें दाहिने हाथ का अंगूठा, तो अपनी चेतना को दाहिने हाथ के अंगूठे पर केंद्रित कीजिए। मन में दाहिने हाथ के अंगूठे की कल्पना कीजिए, उसके रूप को देखिए और दाहिने हाथ के अंगूठे को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दीजिए। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में, विभिन्न भागों में हम अपनी चेतना को द्रुत गति से घुमाएंगे। सजग बने रहिए, सोना नहीं और अपनी सजगता को खोना नहीं। अपनी सजगता को शरीर के दाहिने हिस्से में लाइए। दाएं हाथ का अंगूठा पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, हाथ, हथेली, कलाई, केहुनी, कंधा, पुट्ठा, कमर, नितंब, दाएं जांग, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, दाया पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, पूरा दाया भाग, पूरा दाया भाग, पूरा दाया भाग, पूरे दाहिने हिस्से को ढीला छोड़ दीजिए। अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हिस्से में लाइए। बाएं हाथ का अंगूठा पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, हथेली, कलाई, केहुनी, कंधा, बगल, कमर, नितंब, बाईं जांग, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बाएं पैर का पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, पूरा बायां हिस्सा, पूरा बायां हिस्सा। अपनी सजगता को पीठ पर लाइए। दाया नितंब, बाया नितंब, दाया पुट्ठा, बाया पुट्ठा,
दाया कंधा, बाया कंधा, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, पूरी पीठ, गर्दन, सिर का पिछला हिस्सा, पूरा सिर, सामने, सिर के ऊपर का भाग ब्रह्मरंध्र कहते हैं, मस्तक, दाएं भौं, बाएं भौं, भ्रूमध्य, दाएं आंख, बाएं आंख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, दाहिना नासिका छिद्र, बायां नासिका छिद्र, नासिकाग्र, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, गला, दाएं छाती, बाएं छाती, छाती के बीच का भाग, नाभि, पेट, पेट का निचला भाग, पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, सामने का भाग, सिर, पूरा शरीर, पूरा शरीर एक साथ, शरीर में एक सी ही चेतना बनाए रखिए, शरीर के प्रति सजग रहिए, पूरे शरीर के साथ जमीन का भी ध्यान रखिए। आपका शरीर जमीन पर लेटा हुआ है, भूमि और शरीर के बीच में स्पर्श के जो केंद्र हैं, उनके प्रति सजग बन जाइए। शरीर के उन सभी भागों को देखने की कोशिश कीजिए मानसिक रूप से, जो जमीन से स्पर्श कर रहे हैं। पुट्ठे तथा जमीन, केहुनी और जमीन, हाथ के पीछे का हिस्सा और जमीन, नितंब और जमीन, जांग और जमीन, पिंडलियां और जमीन, एड़ी और जमीन, शरीर के जमीन से छूने वाले सभी अंगों को ध्यान से देखिए। हर भाग के स्पर्श की अनुभूति कीजिए। सोना नहीं है। अब आपको अपने शरीर में भारीपन की भावना को जागृत करना है। कल्पना कीजिए, अनुभव कीजिए कि आपका शरीर भारी होते जा रहा है। आपका शरीर के अंग भारी होते जा रहे हैं। पूरा दायां पैर भारी हो रहा है।
पूरा बायां पैर भारी हो रहा है, दायां हाथ बायां हाथ धड़ सिर भारीपन की भावना को गहरी कीजिए। शरीर के प्रत्येक भाग में भारीपन की भावना के प्रति सचेत रहिए। पूरा शरीर भारी हो रहा है। भारीपन के कारण मानो कि शरीर जमीन में धंसते जा रहा है। भारीपन के अनुभव को अपने शरीर में जागृत कीजिए। अब हल्केपन की भावना कीजिए, हल्केपन का अनुभव कीजिए। शरीर का प्रत्येक भाग हल्का और भार रहित हो रहा है। दायां पैर बायां पैर दोनों पैर एक साथ, दायां हाथ दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ सामने का भाग, सिर पूरा शरीर, पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करते जाइए। आपका शरीर इतना हल्का हो गया है कि वह जमीन के ऊपर उठ रहा है। पूरे शरीर में हल्केपन के अनुभव को जागृत कीजिए। अब अपने मन को बंद आंखों के सामने जो काला पर्दा दिखलाई दे रहा है वहां ले जाइए। यही चिदाकाश है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने अनंत आकाश है, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है बंद आंखों के सामने वहां पर काला आकाश का विस्तार ही दिखलाई देता है। इस चिदाकाश में अपने मन को एकाग्र कीजिए। जो कुछ भी इसमें दिखलाई देता है वह आपके मन की ही स्थिति है। इस चिदाकाश को देखते जाइए, साक्षी भाव से देखते जाइए। चिदाकाश को देखते हुए मन में कल्पना कीजिए कि आप किसी बगीचे में घूम रहे हैं। प्रातःकाल किसी बगीचे में घूम रहे हैं। उस बगीचे में केवल आप हैं। यह बगीचा सुंदर और शांत है। बगीचे में ओस वाली घास पर चलिए। पक्षियों की चहक और उनकी मधुर बोली को सुनिए जो नए दिन की अगवानी में बोल रहे हैं। बगीचे में सुंदर फूल लगे हैं, गुलाबी रंग के फूल, लाल रंग के फूल, सफेद रंग के फूल,
पीले रंग के फूल, फूलों के पंखुड़ियों पर ओस की बूंद, एक तालाब, तालाब में मछलियां तैर रही हैं, बड़े बड़े पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे आप चलते जा रहे हैं, थोड़ी दूर चलने पर देखते हैं कि पेड़ों के बीच में एक साफ जगह है जहां पर एक सुंदर मंदिर है। उस मंदिर के द्वार पर जाइए। मंदिर के अंदर धुंधला प्रकाश है। मंदिर की जमीन पर बैठ जाइए। मंदिर की जमीन पर बैठ करके अपने आंखों को बंद कर लीजिए। उस स्वस्थ, शांत एवं आध्यात्मिक वातावरण में शांति का अनुभव कीजिए। शांति का अनुभव। मंदिर में आप बैठे हैं। अब फिर से अपनी चेतना को बंद आंखों के सामने ललाट पर स्थित चिदाकाश में ले आइए। चिदाकाश के प्रति सजग हो जाइए। चिदाकाश को शांत भाव से देखते जाइए। यदि कोई दृश्य, रंग या रूप दिखलाई देता है तो सजगता पूर्वक उसे देखिए। यदि विचार आते हैं तो उन्हें फिर साक्षी भाव से देखिए। अब अपने संकल्प को याद कीजिए। वही संकल्प जो योग निद्रा के प्रारंभ में आपने किया था, 3 बार मन में दोहराइए। पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ योग निद्रा के समय किया गया संकल्प जीवन में हमेशा फलीभूत होता है। अपने श्वास के प्रति सजग बन जाइए। स्वाभाविक सहज श्वास के प्रति सजग बनिए। शारीरिक विश्राम की अवस्था के प्रति भी सजग बने रहिए। अपनी चेतना को अब बहिर्मुखी बनाइए। बाहर की आवाजों को सुनिए। बाहर के वातावरण का ख्याल कीजिए। अपने मन को, अपनी चेतना को पूरी तरह से बाहरी आवाजों की ओर लगाइए। अब धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए,
सिर को हिलाइए, जल्दीबाजी नहीं, धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाइए, गहरे श्वास अंदर लीजिए और पूरे शरीर को तानिए। उसके पश्चात आंखों को बंद रखते हुए चुपचाप उठ करके बैठ जाइए, और जब तक चेतना पूर्ण रूप से बहिर्मुखी नहीं होती है आंखों को बंद ही रखिए। जब आप पूरी तरह से जान लें कि आप जाग चुके हैं तब धीरे से आंखों को खोल लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।